एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर वाहन पार्किंग शुल्क को लेकर एक बार फिर टोटो चालकों का हंगामा शुरू हो गया है। टोटो चालकों का कहना है कि वो जितनी बार स्टेशन आते हैं उतनी बार पार्किंग शुल्क की मांग उनसे की जाती है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्टेशन के बाहर नहीं बल्कि मुख्य सड़क पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, जिससे ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को करीब 700 मीटर पैदल चलने के बाद टोटो मिलता है, जिससे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब सब रोड पर लगा दिया है, यहाँ टोटो यहाँ नहीं लाया, तो असुविधा तो हो ही रही होगी। बिल्कुल असुविधा हो रही है, बहुत ज़्यादा दूर तक बच्चा को भी लेकर जाना पड़ रहा है। भारी सामान उठाकर लंबी दूरी तय करना और छोटे छोटे बच्चों को पैदल लेकर चलना मुश्किल हो रहा है। एक बार टिकट काट ले 20 रुपया, जो भी काटना है वो काट के उसके बाद हम लोग को स्वतंत्र कर दे। जो पहले नियम था यहाँ का, जो डीआरएम मतलब डीआरएम जो सर बोल के गए थे कि दिन भर का 6 बजे से 6 बजे तक 20 रुपए लेना चाहिए, तो अब ये लोग टेंडर जो पहले जो था वो बदल गया, अभी ये लोकल टेंडर ले लिए हैं, तो ये बोले हर एक ट्रिप पे अप डाउन हो या 10 रुपए लगेगा हर एक ट्रिप पे। जैसे पैसेंजर लेके आए हम लोग कहीं से लेके आते हैं, यहाँ ढुकेगा 2 पैसेंजर का तो 10 रुपए लेता है, नहीं देने के बाद वो लाठी उड़ी मतलब बॉडी गार्ड वहाँ 4-5 गो रहता है, वो मारने के लिए खुल जाते हैं। जब हमने टोटो चालकों की बात पार्किंग के ठेकेदार से की तो उन्होंने कहा कि हमने करीब 13 लाख देकर पार्किंग स्लॉट लिया है और नियम के अनुसार ही शुल्क वसूल रहे हैं। एक बार स्टेशन परिसर पहुंचने पर मात्र 9 रुपये निर्धारित शुल्क देना पड़ता है, जो कि सरकारी नियम भी है, लेकिन टोटो चालकों को यह न्यूनतम शुल्क भी भारी लगता है, जो कहीं से नियम संगत नहीं है। पार्किंग को लेकर के टोटो जो लोग हैं टोटो वाले जो वो बवाल कर रहे हैं कि पहले कुछ नियम था, अभी क्या नियम क्या है, उसका क्या मतलब विरोध का क्या कारण हो सकता है? नहीं, नियम है कि अगर पार्किंग में आप आ रहे हैं तो उसका पैसा देना है, चाहे अगर खाली भी है फिर भी देना है, और आप अगर खाली है फिर भी उसको इसका पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा, और एक पैसेंजर या कोई भी पैसेंजर रहे तो पैसा देना है। तो हम अपने तरफ से इन लोगों को छूट दिए, ये लोग बोले कि भाई 10 रुपया होगा तो फिर हम कहाँ से हम दे पाएंगे, तो हम बोले कि ठीक है अगर आप खाली में आते हैं तो आपको पैसा नहीं देना है, खाली जाते हैं तो पैसा नहीं देना है, और अगर एक पैसेंजर भी लेके जाते हैं तो आपको पैसा नहीं देना है। सब लोग तो सहमत हो गया कि कोई बात नहीं है, अगर एक पे हमको छूट दे रहे हैं तो अच्छा बात है, सब लोग खुश था। कुछ लोग का कहना है कि कुछ लड़का लोग बदमाश है कि नहीं हम पैसा देंगे ही नहीं, कुछ लोग कहना है कि नहीं हमारा 2 टोटो चलेगा वो फ्री में चलेगा, कुछ लोग फ़ोन करता है कि नहीं 3 टोटो चलेगा हमारा फ्री में चलेगा। तो हम सबको निचोड़ निकाले कि भाई आपको खाली रहिएगा पैसा नहीं देना है, एक पैसेंजर रहिएगा पैसा नहीं देना है। कहा जा रहा है कि पहले भी ये विवाद हुआ था, जब आपसे पहले जो किसी का टेंडर था तो डीआरएम के साथ बैठ करके इन लोगों का फैसला हुआ था कि 12 घंटे में 20 रुपया एक पूरे दिन का लगेगा, और वो लोग कह रहे हैं कि वही नियम हमें पुराना नियम चाहिए, नहीं तो हम स्टेशन के पार नहीं जाएंगे, सड़क पर ही गाड़ी लगाएंगे। उस नियम के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन जो नियम है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, और इन लोग को सहूलियत के लिए हम एक पैसेंजर पे पैसा छोड़ दिए हैं, खाली में भी पैसा नहीं देना। अभी कितना पैसा लेते हैं आप? 9 रुपया ले रहे हैं अभी सबसे। 9 रुपया एक ट्रिप पे? 9 रुपया 9 रुपया आने का, 9 रुपया जाने का? 9 रुपया नहीं, सिर्फ जाने का 9 रुपया। एक बार अगर यहाँ आते हैं कोई पार्किंग में तो उनको 9 रुपया देके जाना है, जाने का कोई मतलब आने का कोई शुल्क नहीं, और उसमें पैसेंजर भरा हुआ रहेगा तभी आप उसमें पैसा लेते हैं। हाँ, मतलब एक से ज्यादा हम एक अपने तरफ से छूट दिए हैं कि एक रहेगा तो आपको पैसा नहीं देना, अगर एक से ज्यादा है तो पैसा दीजिए, क्योंकि नियम यही है कि आप खाली भी रहिए तो आपको पैसा देना, पार्किंग में पैसा देना ही पड़ता है। ठीक। पार्किंग के ठेकेदार कहते हैं कि पिछले लोग क्या करते थे, किस प्रकार का नियम था, ये हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम जो शुल्क वसूल रहे हैं वो बिल्कुल नियम के अनुसार ही वसूल रहे हैं। कमर्शियल गाड़ियों को प्रत्येक ट्रिप पर शुल्क देना होगा, ऐसा नियम है, लेकिन टोटो चालकों को ये बात नागवार गुजर रही है, और इसके बीच में आम जनता पिस रही है, जिन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुल्क के डर से टोटो चालक पैसेंजर को 500 मीटर पीछे ही उतार देते हैं, जिससे आमजनों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिस पर जिला प्रशासन और रेल प्रशासन को मिलकर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आम लोगों का कष्ट जो है वो दूर हो सके।